everyone, my name is Dilanshi Trivedi, and today I'm going to tell you about the life cycle of mosquitoes. So here I have prepared some slides on this topic. So I'm going to share my slides with you. So these are my slides. Okay, so let's talk about mosquito. सो मॉस्किटो की बात हम लोग इन जनरल करेंगे, कोई स्पेशल स्पीशीज के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट एक जनरली हम लोग मॉस्किटोज़ की बात कर रहे हैं कि मॉस्किटोज़ जो होते हैं वो कितने तरीके की डिजीज़ को कॉज कर सकते हैं, वो कितने टाइप के हो सकते हैं. जनरली ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो हम लोग जनरल वे में बात कर रहे हैं मॉस्किटोज़ की. सो मॉस्किटोज़ हैं क्या? मॉस्किटोज़ आर कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, यानी कि आप कहीं भी देखेंगे ऑलमोस्ट जगह पे आपको मॉस्किटोज़ देखने को मिलेंगे. नॉक्टर्नल इन हैबिट, मतलब जो इनका हैबिट है वो नॉक्टर्नल है, यानी कि ये रात के समय में एक्टिव होते हैं और दिन के समय में ये इनएक्टिव रहते हैं. एंड फाउंड इन अबंडेंस इन डैम्प मार्सी लैंड्स नियर स्टैगनेंट वाटर एट्सेट्रा. तो जो भी जो ये फाउंड कहाँ होंगे, ये कहाँ मिलेंगे आपको, तो ये जनरली जितनी भी गंदी जगहें होती हैं जहाँ पर स्टैगनेंट वाटर होता है, या मार्सी प्लेसेस जो है होंगे, इस तरीके के जो रीजन्स होंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा कचरा इकट्ठा होता है, तो उस जगह वैसी जगहों पर आपको मच्छर ज़्यादा देखने को मिलते हैं. आपने कभी भी इस तरीके की चीज़ों को गौर किया होगा, तो जनरली जो है स्टैगनेंट वाटर वगैरह जहाँ पर होता है, तो वहाँ पर आपका ये नंबर ऑफ मॉस्किटोज वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं. दे आर वेरी एनोक्जियस इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स. ओनली फीमेल मॉस्किटोज आर अडेप्टेड टू सक द ब्लड ऑफ द ह्यूमन बींग एंड फंक्शन एज अ कैरियर ऑफ द वायरल बैक्टीरियल एंड प्रोटोजोअन डिजीजेस. तो जो मॉस्किटो की फीमेल्स होती हैं जनरली वो ही ह्यूमन बॉडी से ब्लड को सक करने का काम करती हैं, और यही फीमेल्स ही काम करती हैं एज अ कैरियर जो है आपकी डिजीजेस को कैरी करने का काम भी इन्हीं फीमेल्स को होता है. और कौन कौन सी डिजीजेस को कैरी किया जा सकता है? वायरल डिजीज़ हो सकती है, प्रोटोजोअन डिजीज हो सकती है, बैक्टीरियल प्रोन डिजीज़ हो सकती है. ये सारी ही डिजीजेस जो है थ्रू मॉस्किटो या थ्रू फीमेल मॉस्किटो आप कह सकते हैं कि कैरी की जाती हैं, और जो फीमेल्स होती हैं वो एज अ कैरियर वर्क करती हैं. आउट ऑफ 45 स्पीशीज ऑफ एनोफिलीज ओनली 9 आर वेक्टर ऑफ ह्यूमन मलेरिया एंड कैरी द सेक्शुअल स्टेज ऑफ द मलेरियल पैरासाइट. तो जनरली जो है 45 स्पीशीज़ प्रेजेंट होती हैं एनोफिलीज की, जिसमें से आपकी 9 स्पीशीज़ ऐसी हैं जो आपका डिजीज़ कॉजिंग होती हैं, जो कि डिजीज़ को एज अ कैरियर फॉर्म में कंटिन्यू ले जाती हैं एक एनिमल से दूसरे एनिमल तक. तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेक्टर ह्यूमन मलेरिया and carry the sexual stage of the malarial parasite. तो जो आपके एनाफिलीज है वो मलेरिया को कैरी करती है, और मलेरिया में भी जो मलेरिया कॉजिंग आपका एनिमल है उसकी सेक्शुअल स्टेज को जो है कैरी किया जाता है इस एनाफिलीज के थ्रू. ठीक है, तो उसके बाद क्यूलिक्स की बात करते हैं. क्यूलिक्स मॉस्किटो ट्रांसमिट फाइलेरियसिस बाई कैरिंग द प्रोटोजोअन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो जो क्यूलेक्स होता है वो क्यूलेक्स मॉस्किटो जो होती है, जो उनकी फीमेल्स होती हैं, वो भी एज अ कैरियर काम करती हैं. और ये कौन सी बीमारी या कौन सी डिजीज़ को कैरी करेंगी? तो ये फाइलेरियासिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और फाइलेरिया जो कॉज करता है एनिमल वो एक प्रोटोजोअन है, आप कह सकते हैं एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, तो इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैरी करने का काम क्यूलेक्स का होता है. ठीक है, इसके बाद एडीज स्पीशीज की बात की जाए, तो एडीज जो होते हैं, एडीज इज कैरियर ऑफ वायरसेस. ठीक है, तो एडीज जो होंगे वो किसके कैरियर होते हैं? वायरसेस के कैरियर होते हैं ऑफ येलो फीवर एंड अदर डिजीजेस. ठीक है, तो येलो फीवर जनरली जो कैरी किया जाता है वो थ्रू एडीज किया जाता है. इसके बाद
females contain specialized mouth parts for piercing, while the male are devoid of having such type of elongated mouth part. जो females होती हैं generally उनको sucking का काम करना होता है, तो इसलिए कुछ specialized organs present होते हैं, mouth parts present होते हैं female के माउथ में. बट जो है क्योंकि मेल्स जो होते हैं वो इस तरीके को कोई भी प्रोसेस नहीं करते हैं, किसी भी तरीके का सकिंग का प्रोसेस, ब्लड सकिंग का प्रोसेस नहीं किया जाता है मेल्स के थ्रू, तो जनरली जो है ये सारे माउथ पार्ट्स मेल्स में प्रेजेंट नहीं होंगे, जबकि फीमेल्स में प्रेजेंट होंगे. ठीक है, तो ये हो गया. इसके बाद एट द टाइम ऑफ रेस्ट abdomen of anopheles is held at the angle of 45 degree. ठीक है, तो resting stage जब normally anopheles जो होती है वो किसी भी animal के ऊपर बैठती है या resting form में होती है, तो वो किस तरीके का angle उसके abdomen के साथ 45 degree का angle बनाती है, मतलब इस तरीके से बैठेगी तो ऐसे बैठती है इस तरीके से. ठीक है, इस तरीके से अगर कोई mosquito बैठा हुआ है तो आप उसको समझ सकते हैं कि शायद ये आपकी क्या हो सकती है, एनोफिलीज हो सकती है, क्योंकि ये 45 डिग्री का एंगल बना करके बैठती है. इसके बाद टू द सर्फेस वाइल दैट ऑफ द क्यूलेक्स इज हेल्ड पैरेलल टू द सर्फेस. ठीक है, और जो क्यूलेक्स होते हैं वो पैरेलल टू द सर्फेस जनरली इस तरीके से या इस तरीके से टच्ड फॉर्म में जो है सर्फेस के होते हैं. तो क्यूलेक्स के बैठने का तरीका और एनोफिलीज के बैठने के तरीके में काफ़ी डिफरेंस है, तो इससे आप जज कर सकते हैं कि मे बी ये क्यूलेक्स है या ये एनोफिलीज है. तो इसीलिए मैंने आपको स्ट्रक्चर भी यहाँ पर दिखाया हुआ है, दोनों में कंपैरिजन करा करके दिखाया हुआ है कि क्यूलेक्स और एनोफिलीज में अगर आप रेफरेंस करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं. तो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, दोनों की स्ट्रक्चर लगभग सिमिलर ही होती है, बट बैठने की पोजीशन अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट वाला जो है वो क्यूलेक्स है और सेकेंड नंबर वाला आपका एनोफिलीज है. क्यूलेक्स में आप देख सकते हैं कि पैरेलली बैठे हुए हैं सरफेस के, जबकि जो एनोफिलीज होते हैं वो इस तरीके से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए बैठे हैं. ठीक है, तो इस तरीके की स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं. इसके अलावा एक और जो स्पीशीज आती है दैट इज़ एडीज मॉस्किटो, वो किस तरीके का होता है, जनरली इस तरीके का आपका एडीज मॉस्किटो होगा. यहाँ पर भी आपको माउथ पार्ट्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं, बॉडी हेड थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड होती है. जो थोरैसिक रीजन होता है वहाँ से आपके जॉइंट अपेंडिजेस अराइज होते हैं. इसके अलावा बॉडी जनरली ब्लैकिश कलर में है और जो जॉइंट्स होते हैं उन पर वाइट कलर के स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वाइट कलर के स्पॉट्स यहाँ पर जनरली एडीज मॉस्किटो में प्रेजेंट होते हैं. तो इस तरीके से तीनों मॉस्किटो का स्ट्रक्चर अगर आप कंपेयर में देखना चाहें तो यहाँ पर आपको नॉर्मली क्यूलेक्स दिखाई दे रहा है, देन इसके बाद एनोफिलीज दिख रही है, देन इसके बाद आपको एडीज दिखाया जा रहा है. इसके बाद हम लोग एक स्ट्रक्चर को पूरा देखें, यानी कि जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इन चीज़ों को स्टडी करने के लिए मैंने एक जो है आपको फीमेल क्यूलेक्स की स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई हुई है. तो आप इसको देखेंगे तो आपको जनरली जितने भी मॉस्किटोज़ होते हैं उनका क्या बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा. तो जनरली जो बॉडी होती है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हेड रीजन कौन सा है. ये देखिए, ये रीजन जो है ये हेड रीजन है, इसके ठीक पीछे का जो रीजन होता है दैट इज़ कॉल्ड एज थोरैक्स, एंड इसके पीछे का ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज़ द एब्डोमिनल रीजन. ठीक है, जो हेड रीजन होता है यहीं पर जो है आईज प्रेजेंट होती है. आईज जो होंगी वो किस तरीके की होंगी, कंपाउंड आइज प्रेजेंट होती है, यानी कि जो पिक्चर होता है इनमें वो कई सारे पार्ट्स में देखा जाता है. एक नॉर्मली जैसा हम लोग देखते हैं उस तरीके की आइज नहीं होती है, इनकी कंपाउंड आइज होती है, यानी कि जो पिक्चर है जो भी इमेज बनती है वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बनाई जाती है, मैंने उसको मर्ज कर दिया था. इस तरीके की जो आइज या इस तरीके का जो जिस तरीके से विजन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका कंपाउंड आई विजन या कंपाउंड आईज यहाँ पर प्रेजेंट होती है. इसके अलावा यहाँ पर दो एंटीनीज प्रेजेंट है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेंसेस के लिए. इसके अलावा यहाँ पर ये माउथ पार्ट्स प्रेजेंट है, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है माउथ पार्ट्स. ठीक है, ये माउथ पार्ट्स जो है इसके
के जो सक करने के लिए जो ब्लड को सक करने के लिए इन माउथ पार्ट्स की ज़रूरत इसको पड़ती है। तो ये हो गया। इसके अलावा अगर आप थोरैक्सिक रीजन में जाएंगे पीछे की तरफ देखेंगे तो ये आपको जो दो पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं दैट इज़ थोरैसिक स्पायरल केस है। इसके बाद जो है आपका पीछे की तरफ नॉर्मली देखेंगे तो ये वाला जो ये जो रीज़न दिख रहा है दैट इज़ पैराथोरैक्स। इसके पीछे का जो रीज़न है मीजोथोरैक्स और इसके आगे का जो रीज़न है दैट इज़ मेटाथोरैक्स, जो कि तीनों चीज़ें मिलकर के केस को बना रहे हैं, थोरैक्स रीज़न को बना रहे हैं। तो इसी जो आपका मीजोथोरैक्स है यहाँ से एक आपका लेग अराइज हो रहा है जिसको हम लोग बोल रहे हैं फोर लेग, ठीक है, सबसे आगे का होता है। इसके बाद मिड लेग होता है, ठीक है, मिड लेग ये मेटाथोरैक्सिक रीजन से अराइज हुआ है और उसके पीछे के रीजन से आपका जो है हिंड लेग अराइज हो रहा है। तो उसको हिंड लेग और जितने भी लेग्स होते हैं वो कैसे होंगे, जॉइंटेड होते हैं, जॉइंटेड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा जो है आपको विंग्स देखने को मिलेंगे, फोर विंग्स देखने को मिलेंगे, ये देखिए फोर विंग्स यहाँ से अराइज हो रहे हैं, ये भी थोरैसिक रीजन से ही अराइज होता है। इसके पीछे जो रीज़न होता है दैट इज़ कॉल्ड एज एब्डोमेन। एब्डोमेन पर भी कुछ डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम लोग बोल रहे हैं एब्डोमिनल स्पैरिकल्स, ठीक है। इसके अलावा जो एब्डोमेन होता है वो भी कैसा होता है, सेगमेंटेड फॉर्म में होता है। तो जो है ये कैस आपका सेगमेंटेड एब्डोमेन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जनरली आपने सारी स्ट्रक्चर्स को यहाँ पर स्टडी कर लिया है, यही सारी स्ट्रक्चर्स होती हैं आपकी क्यूलेक्स में, या आप कह सकते हैं कि जनरल एक मॉस्किटो की जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इसी तरीके की होती है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है अदर स्पीशीज़ में, बाकी जनरली जो मॉस्किटो का स्ट्रक्चर होता है वो यही होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अबाउट द डैमेज, क्या डैमेज ये कॉज करते हैं। तो द फीमेल्स ऑफ एनोफिलीज फंक्शंस एज द कैरियर ऑफ द मलेरियल पैरासाइट, ठीक है। तो फीमेल्स जो होती हैं किसकी, एनोफिलीज फीमेल्स जो होंगी वो एज ए कैरियर फंक्शन करती हैं, किसकी कैरियर होती है, मलेरियल पैरासाइट की कैरियर होती हैं एंड कॉजेज मलेरिया इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स में मलेरिया कॉज करेंगे। क्यूलेक्स स्पीशीज ट्रांसमिट फाइलेरिया एंड एडीज स्पीशीज ट्रांसमिट येलो फीवर इन ह्यूमन बींग्स। क्यूलेक्स स्पीशीज जो होगी वो फाइलेरिया को ट्रांसमिट करती है, इसके अलावा जो एडीज स्पीशीज होती है वो येलो फीवर को ट्रांसमिट करती है। ये एक वायरल डिजीज होती है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स में। दिस द मॉस्किटोज आर वेरी डेंजरस फॉर द ह्यूमन हेल्थ। तो इस तरीके से मॉस्किटो काफ़ी जो है डेंजरस होते हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए। इसके बाद लाइफ साइकिल की बात करते हैं। द ब्रीडिंग ऑफ द मॉस्किटो कंटिन्यू थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। तो थ्रू आउट द ईयर ब्रीडिंग का प्रोसेस किया जाता है इसमें। इसके अलावा जो है ये कहाँ पर ब्रीड करते हैं, जनरली वार्म प्लेसेस और जो ह्यूमिड प्लेसेस होते हैं जनरली वहाँ पर ये ब्रीड करते हुए दिखेंगे। द फर्टिलाइज्ड फीमेल्स ऑफ एनोफिलीज एंड क्यूलेक्स ले एग्स इन सिंगल मैसेस कंटेनिंग सेवरल हंड्रेड एग्स रेस्पेक्टिवली इन डर्ट स्टैंड स्टैगनेंट वाटर। तो क्यूलेक्स और एनोफिलीज की जो फीमेल्स होती हैं वो जनरली काफ़ी सारे एग्स जो है वो मैसेस में देती हैं, मतलब एक मास बना करके एग ले किया जाता है, बहुत सारे एग्स एक साथ ले कर दिए जाते हैं एंड कंटेनिंग सेवरल हंड्रेड्स ऑफ एग्स रेस्पेक्टिवली इन डर्टी स्टैगनेंट वाटर, ठीक है। तो जहाँ पर भी डर्टी स्टैगनेंट वाटर मतलब कि जो है रुका हुआ पानी जिसको आप बोलते हैं, जैसे कि आप कहीं कूलर वगैरह हो गया वहाँ पर पानी आपने भर दिया है और उसको काफ़ी दिन से चेंज नहीं किया है। इसके अलावा कुछ टायर वगैरह में पानी बरस रहा है, छत पे पड़े हुए हैं, तो वहाँ पर अगर पानी भर गया है तो उस तरीके का जो वाटर होता है दैट इज़ कॉल्ड एज स्टैगनेंट वाटर और काफ़ी पुराना होता है, जिसकी वजह से वो जो एरिया होता है या वो जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं वो मॉस्किटोज़ के लिए, मॉस्किटो के लार्वा के लिए फेवरेबल कंडीशंस होती हैं। तो जनरली जो क्यूलेक्स या एनोफिलीज या कोई भी आपकी फीमेल्स होती हैं वो ऐसा प्लेस ही एग ले करने के लिए ढूंढती हैं जहाँ पर वाटर की प्रेजेंस हो, स्टैगनेंट वाटर जहाँ पर प्रेजेंट हो, ठीक है। इसके बाद है एग्स आफ्टर 2 to 3 days ऑफ इंक्यूबेशन हैच्ड इनटू लार्वा, ठीक है, 2 से 3 दिन के इंक्यूबेशन के बाद लार्वा में कन्वर्ट हो जाएंगे
which purely aquatic in habit and are known as wrigglers. ठीक है, तो जो लार्वा होते हैं वो generally aquatic habitat के ही purely aquatic habit के होते हैं, मतलब उन्हें aquatic zone चाहिए होता है survive करने के लिए, इसीलिए ये stagnant water पर lay किए जाते हैं eggs. इनको इस जो फॉर्म होती है इसको हम लोग रेगुलर्स बोलते हैं. द एब्डोमेन ऑफ द लार्वा इज प्रोवाइडेड विद ट्यूबुलर साइफन अडेप्टेड फॉर द एयर ब्रीथिंग. ठीक है, तो एब्डोमेन जो है इसका एयर ब्रीथिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. द लार्वा बाय द फोर मोल्टिंग्स, चार मोल्टिंग्स के बाद अंडरगो प्यूपेशन. ठीक है, प्यूपा में कन्वर्ट होता है आफ्टर टू डेज टू टू वीक एंड फॉर्म प्यूपा. द अडल्ट मॉस्किटो इमर्जेज आफ्टर 2 to 3 days. प्यूपा से जो है एडल्ट मॉस्किटो बनने में 2 से 3 दिन का समय लगता है. तो इस तरीके से इसकी लाइफ साइकिल रन होती है. इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल्स की, कि क्या प्रिवेंशंस और क्या कंट्रोल्स हैं जो हम लोगों को लेने चाहिए मॉस्किटो से बचने के लिए. तो सबसे पहला प्रिवेंशन है, दैट इज़ एलिमिनेशन ऑफ द ब्रीडिंग प्लेसेस. तो ब्रीडिंग प्लेसेस जो होंगे उन्हें हमें एलिमिनेट करना है. तो ब्रीडिंग प्लेसेस क्या हो सकते हैं, स्टैगनेंट वाटर जहाँ पर प्रेजेंट है वो सारी चीज़ों को हमको डिस्ट्रॉय करना होता है. इट इज़ बेटर टू चेक द मॉस्किटो बिफोर फुल डेवलपमेंट, बिकॉज मॉस्किटो डिपेंड ऑन द एक्वेटिक हैबिटेट फॉर लार्वल डेवलपमेंट. तो इसीलिए आपको ये चेक करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम कि कहीं पर भी स्टैगनेंट वाटर तो प्रेजेंट नहीं है. द मोस्ट फंडामेंटल मीन ऑफ द कंट्रोल लाइज इन द एलिमिनेशन ऑफ द ब्रीडिंग प्लेसेस बाय ड्रेनिंग. ड्रेनिंग के थ्रू आप ब्रीडिंग प्लेसेस को रिमूव करते हैं, फिलिंग, पंपिंग एंड टेम्परेरी डीवॉटरिंग. तो ये सारी चीज़ों को करके आप जो भी ब्रीडिंग प्लेस है उसको जो है हटा सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जिससे कि इनकी ब्रीडिंग ना हो पाए. इसके बाद दूसरा जो आता है, दैट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ द लार्वा एंड प्यूपा. तो लार्वा और प्यूपा को ख़त्म कर दिया जाए तो इनका नंबर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. तो इस तरीके से द वाटर सर्फेस इज कवर्ड बाई द स्प्रेइंग कैरोसिन ऑयल, पेट्रोलियम, पैराफिन ऑयल, क्रूड ऑयल, सो दैट द लार्वा डाइज ड्यू टू द सफोकेशन. तो जो भी स्टैगनेंट वाटर हैं उन पर इस तरीके के स्प्रेस का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कैरोसिन ऑयल, पेट्रोलियम, पैराफिन ऑयल, क्रूड ऑयल. ये सारे ही ऑयल्स का जब यूज़ किया जाता है तो इनकी प्रेजेंस की वजह से वाटर पे जो लार्वा होते हैं वो सफोकेशन की वजह से मर जाते हैं. तो लार्वा और स्पीशीज एज गंबूसिया मे बी एम्प्लॉयड टू कीप द पूल्स एंड पॉन्ड्स मॉस्किटो फ्री. ठीक है, तो लार्वी वॉरस फिशेस का इस्तेमाल करना चाहिए. लार्वी वॉरस फिशेस क्या होती हैं, जो लार्वा को ईटअप करती हैं, जिसमें से एक बहुत अच्छा एग्जांपल गंबूसिया फिश का है. गंबूसिया जो होती है वो जनरली जो लार्वा होते हैं मॉस्किटो के उन्हीं को खाती है. तो ऐसी जगह जहाँ पर स्टैगनेंट वाटर है वहाँ पर आप इस तरीके की फिशेस को छोड़ सकते हैं, जिससे कि वो सारे लार्वा को ईटअप कर जाएँ. ठीक है, तो इस तरीके का आप चीज़ को अपना सकते हैं. लार्वी साइड डस्ट एज ऑयल इमल्शन. ठीक है, लार्वी साइड डस्ट एज ऑयल इमल्शन ऑन DDT, YPHC एंड टेट्राफेन आर यूज्ड. ठीक है, तो ये सारे डस्ट भी यूज किए जाते हैं. ड्रैगन फ्लाइज आर नॉक्टर्नल एनिमी ऑफ द मॉस्किटो. नेचुरल एनिमी ऑफ द मॉस्किटो शुड बी इंकरेज्ड. तो जो ड्रैगन फ्लाइज होती हैं जनरली वो भी लार्वा या मॉस्किटोज को ईटअप करती हैं. तो जो लार्वी जो ड्रैगन फ्लाइज हैं उनके जो है उनको इंकरेज करना चाहिए, जैसे कि नंबर ऑफ मॉस्किटोज को हम कंट्रोल कर सकें. तो ये हो गया. इसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ अडल्ट मॉस्किटोज. अडल्ट मॉस्किटोज़ का डिस्ट्रक्शन करना, उसमें क्या हो सकता है, अडल्ट शुड बी ड्राइवन आउट ऑफ द हाउस और किल्ड बाई फ्यूमिगेशन विद पेरेथ्रम, सल्फर एक्सेट्रा, स्प्रेइंग ऑफ 2% मेलाथायोन और 0.5% डायलेड्रिन किल्स द मॉस्किटोज. तो इस तरीके के केमिकल्स का यूज़ करके हम मॉस्किटोज को किल कर सकते हैं, उनको डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं. इसके अलावा डिफेंस अगेंस्ट मॉस्किटो बाइट. तो मॉस्किटो बाइट से बचना चाहिए. तो मॉस्किटो बाइट से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप मच्छरदानी का यूज करिए, जो
जो नेट्स आते हैं उनका यूज़ करिए. तो यही चीज़ इसमें मैंने लिखी हुई है, द हाउस शुड बी मॉस्किटो प्रूफ. ठीक है, मॉस्किटो नेट्स शुड बी यूज एटलीस्ट ड्यूरिंग द स्लीपिंग पीरियड. रात के समय आपको जो है मॉस्किटो नेट्स, या दिन को हम लोग मच्छरदानी करते हैं, तो उनका इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि आप मॉस्किटो बाइट से बच सकें. और अगर आप मॉस्किटो बाइट से बचते हैं तो आप बहुत सारी डिजीज को अपने आप से दूर कर लेंगे. द एक्सपोज पार्ट ऑफ द बॉडी शुड बी प्रोटेक्टेड बाई ग्लव्स, ठीक है, वेलीज, बूट्स और बाय रेपेलेंट्स. ठीक है, तो इस तरीके के चीज़ों का यूज़ करके आप जो भी एक्सपोज पार्ट है उनको ढक करके आप मॉस्किटो बाइट से बच सकते हैं. मिक्सचर ऑफ डाइमिथिल पैथलेट, इंडालोन एंड 2-ethyl-1,3 हेक्सेन डायोल 3:1:1 के रेशियो में ये ले सकते हैं. एंड डाइमिथिल पैथलेट 2-ethyl-1,3 हेक्सेन डायोल एंड डाइमिथिल कार्बेट इन 4:3:3 रेशियो में आप हैव बीन प्रोवाइडेड एज अ गुड रेपेलेंट व्हेन अप्लाइड ऑन द एक्सपोज्ड बॉडी पार्ट. मतलब ये सारे केमिकल्स को भी बॉडी पर अप्लाई करके, जो भी एक्सपोज्ड पार्ट है उन पर अप्लाई करके जो है मॉस्किटो बाइट से बचा जा सकता है. तो इस तरीके से जो है प्रोटेक्शन क्योर लेकर के आप किसी भी एनिमल, किसी भी मॉस्किटो से बच सकते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.